हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला ब्लॉक के सभी 27 पंचायतों के प्रधान उप प्रधानों ने सामूहिक रूप से उपायुक्त कांगड़ा को अपने इस्तीफा सौंप दिया है। पंचायत प्रधान उप प्रधान संगठन के बैनर तले डीसी ऑफिस पहुंचे प्रधान और उप प्रधानों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने उन्हें एक पंचायत सचिव को धर्मशाला से हटाए जाने की मांग उठाई थी, तो ऐसे में उसे हटाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि फिर से धर्मशाला ब्लॉक में पंचायत सचिव की नियुक्ति दी गई तो ऐसे में सभी पंचायतों के प्रधान उप प्रधान सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अब इस मसले में खुद आकर उनसे बात नहीं की गई या पंचायती राज मंत्री उनसे बात नहीं करते हैं तब तक वे अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान पंचायतों में कोई भी विकास काम नहीं करवाए जाएंगे और सरकार जब तक सचिव को धर्मशाला से नहीं हटाती है तब तक विकास कार्य कर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। वहीं पंचायत प्रधान संगठन ने भाजपा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी करते हुए इस्तीफा देने की मांग जोर से उठाई। रामलाल नाम है जी मेरा, सुखपुर पंचायत का प्रधान हूँ मैं। 2002 से भारतीय जनता पार्टी में हूँ और आज जो हमने सरकार से निवेदन किया था जो चंद्रशाल ब्लॉक से हटाया जाए, मगर पिछले महीने में हम आए थे तो सरकार ने बोला, डीसी साहब ने बोला था कि चलो इसको यहाँ डीआरडी में इसको ऑर्डर कर दिए थे, मगर आज एक महीने के बाद फिर इसके ऑर्डर जो है बल्ला जदरांग में कर दिए। तो सरकार से हमारा निवेदन था कि इसको अदर ब्लॉक किया जाए, मगर सरकार ने सुनी नहीं। अपना इस्तीफा देने आया है प्रधान पद से, क्योंकि हमने सरकार से निवेदन किया कि जो नवीन नाग जी हैं जो सचिव हैं उनको यहाँ अदर ब्लॉक करने की सिफारिश की थी। मेरा नीति होगी आज हमारा इस्तीफा देंगे और सब जो पंचायत कार्य है वो बंद कर दिए जाएंगे। मैं सुरेश कुमार बागनी पंचायत से हूँ। हमारी तीन महीने से हमारी लड़ाई चल रही थी, जो कि हमें पंचायतों में जो रुकावटें आ रही थी विकास के उसमें हमारी पंचायत, हमने तो यही देखना है कि हमारे प्रधान को किसी को भी अगर सरकार के द्वारा कोई नुकसान हो रहा है तो हमने उसको सरकार तक पहुंचाना है। हमने पहुंचाया भी, तीन महीने पहले हमने सरकार से डिमांड की थी, दो महीने पहले उन्होंने हमारी डिमांड मांगी भी। वो मांगने के बाद उन्होंने जिस सचिव के बारे में हमने तबादला मांगा था तबादला किया, और जब तो उसका तबादला हुआ उसने एक दूसरे दिन ही बोलने शुरू कर दिया था कि चलो कर लो तबादला, मैं एक महीने के बाद फिर आके इनको दिखाऊंगा। एक महीने के बाद फिर तबादला हो गया। जब हमने डीसी साहब से मिला तो वो बोलते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये ऊपर से ऑर्डर है, ये ऊपर वाले कर सकते हैं। तो हमारी आपसे यही आपके माध्यम से यही डिमांड है सरकार से कि अगर ऊपर वाले ही हमसे जब बात करेंगे तब हम आगे की सोचेंगे, अदरवाइज ऊपर वाले के बिना हम यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे। आज हमारा सिर्फ मोटो ये है कि हमने इस्तीफा देना है, जो हम डीसी साहब को इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ये हक तो हमारा नहीं छीन सकते ना, इस्तीफा देना तो ये हमारा हक है। जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम चाहते हैं कि भाई इज्जत जो हम भी बाहर हो जाएं, और ये जिस मर्जी को अपना पंचायत का पंचायत सचिव को पावरें दे दे, चाहे जिस मर्जी को दे दे अपना काम। यहाँ जो भी बात हुई है 27 प्रधानों से हुई है और सभी तैयार हैं कि जो कुछ दो तीन या चार प्रधान नहीं आए हैं उन्होंने अपने इस्तीफे जो हैं वो उसमें व्हाट्सअप कर दिए हुए हैं, हमने वो रखे हुए हैं। कुछ कारण था, किसी के कोई डेथ हुई है, किसी का कोई घर का प्रॉब्लम है, वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे जो वो भेज दिए। अभी इस्तीफे तो अभी सौंपने हैं डीसी साहब को, सौंपने हैं सर जितने भी आए हुए बात सबसे हुई है, हाँ सब ने की है, जितने आए होंगे जितने हमारे अभी आज हैं वो दे देंगे, बाकी अगर एक दो रहते हैं तो अगर इनको होगा कि दो तीन जो वो रहते हैं वो चाहिए तो वो भी एक दो दिन में पहुँचा देंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आए हुए हैं सर।